जय जय बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, राम दूत। जय बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी सुत बजरंग बली, ग्यारहवें रुद्र बजरंग बली, जय कपीश बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, हयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली, जय 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 नर बालक। पुनः यहाँ क्या वो ऋषि मिले? मिल गए। कहाँ है? तुम्हारे उदर में भद्रासुर। भद्रासुर, जब तक तुम साधु के स्वरूप में थे, मेरे दंड से सुरक्षित थे। अब क्या होगा? ऋषि और अंगिरा तो पूर्ण रूप से असक्त हो चुके हैं। अब और विलंब का अर्थ है उनके जीवन पर संकट। नारायण नारायण। देव, जिनकी रक्षा स्वयं प्रभु हनुमान कर रहे हैं, उनके जीवन पर संकट आ ही नहीं सकता एवं कभी भी नहीं आ सकता। यदि अब किसी के जीवन पर संकट आएगा तो भद्रासुर के जीवन पर। भद्रासुर का अंत निश्चित है देवो, निश्चित है। हनुमान 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 हनु
जो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तथा दुष्टों का दलन करते हैं। भद्रासुर का अंत दृष्टि गोचर है। नारायण नारायण। असुर, मैं तुमसे अंतिम बार कह रहा हूँ, ऋषि अंगिरा को अपने उदर से बाहर कर दो, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मैंने गुरुदेव शुक्राचार्य को वचन दिया है, जब तक अंगिरा को अपनी चटरानी में चलाकर भस्म नहीं कर दूं, उससे पूर्व उसे अपने उदर से बाहर नहीं निकालूंगा, चाहे इस पुण्य कार्य में मेरी मृत्यु हुई क्यों ना हो जाए। इसका अर्थ कि तुम इस प्रकार नहीं मानोगे। किसी भी प्रकार नहीं मानूंगा। अगर तुम उन्हें अपने उदर से नहीं निकालोगे तो फिर ये लो। जैसे आकिंचन पर आपने अपनी इतनी बड़ी कृपा की, मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा, आपकी दया का आकांक्षी रहूंगा प्रभु। ऋषिवर, जिसका ईश्वर पर दिव्य विश्वास होता है, जो ईश्वर को पूर्णपणे समर्पित कर देते हैं, उनका बड़ी से बड़ी शक्ति भी कोई अहित नहीं कर सकती। और अब शुक्राचार्य को भी इससे शिक्षा मिलेगी। शोध अधूरा रह गया। यदि आप उपस्थित नहीं हुए होते तो आज अंगिरा का अंत निश्चित था। कैसे रूपों में आपको कैसे। नारायण नारायण। ऋषि शुक्राचार्य, प्रतीत होता है कि इतना कुछ होने के पश्चात भी आपका क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ है। संभवतः प्रभु की महिमा आपकी समझ में नहीं आई। नारद मुनि, आप यहां आने का प्रयोजन। ऋषिवर, मैं तो केवल यही देखने आया था कि प्रतिशोध लेने में असफल एक ऋषि का व्यवहार कैसा होता है। नारद, तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है। क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, मुझे तो लगा था कि अब तक आपको सद्बुद्धि आ गई होगी। भद्रासुर के अंत के साथ आपके अहंकार का भी अंत हो गया होगा, किन
किंतु ऋषिवर, आपको देखकर ऐसा कदापि नहीं लगता कि आपका अहंकार परास्त हुआ है। अभी तू एक सर्प की भांति फन फैलाकर खड़ा हो गया है। नारद मुनि, मैं भृगुपुत्र शुक्राचार्य, मुझे इस संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। मेरे पास असीम तपोबल है। मैं इस संसार का सर्वश्रेष्ठ ऋषि हूं, किंतु सर्वश्रेष्ठ होने के उपरांत भी मैं देवों का गुरु न बन सका, केवल उस धूर्त अंगिरा के कारण। इसलिए उस अंगिरा से तो मैं अपना प्रतिशोध लेकर रहूंगा। नारद मुनि, सुन लीजिए आप भी। नारायण नारायण, क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु आप अपने देवगुरु ना बनने का जिसे दोषी मान रहे हैं, वास्तव में वो दोषी नहीं है। दोषी है स्वयं आप ऋषिवर। ऋषिवर, आप अपने अहंकार के कारण देवगुरु नहीं बन पाए। नारद, मुझे देवताओं के सहानुभूति की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं अपने बल से स्वर्लोक को विजित करूंगा, और वो समय अति निकट है जब समस्त देवता मेरे सम्मुख नतमस्तक होकर क्षमा याचना करेंगे। नारायण नारायण, समझ गया ऋषिवर, बिल्कुल समझ गया। जिस प्रकार एक चिकने घड़े पर जल की एक बूंद नहीं टिक सकती, ठीक उसी प्रकार आपके अहंकार रूपी चिकने घड़े पर ये ज्ञान रूपी बूंद नहीं टिक पाएगी। नारद, आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं ऋषिवर, केवल यही कि आप अपने प्रतिशोध की ज्वाला को जलाए रखिए। किंतु ऋषिवर, एक बात स्मरण रखिएगा, मद मोह लोभ आदि का फल सुखद नहीं होता। नारायण नारायण, मेरा संपूर्ण जीवन प्रतिशोध को समर्पित है। मेरा प्रयास तब तक चलता रहेगा जब तक मैं अंगिरा से अपना प्रतिशोध न ले लूं। माता, प्रभु के इतना संकेत देने के उपरांत भी शुक्राचार्य का अहंकार शांति नहीं हो रहा, बल्कि उनकी पराजय के पश्चात उनका अहंकार महासागर के ज्वार के समान और भी गगनचुंबी बनता जा रहा है। देव कुबेर, अहंकार का अर्थ ही होता है अज्ञान। किंतु माता, शुक्राचार्य तो ज्ञानी है ना? नहीं देव कुबेर, ज्ञानी वो होता है जो विनम्र होता है, शांत होता है, और अज्ञानी ही शुक्राचार्य की भांति अहंकारी होता है। माता, जब शुक्राचार्य अपने अहंकार के वशीभूत होकर इतने पाप कर्म कर रहे हैं, तो फिर उन्हें उसका दंड क्यों नहीं मिल रहा? देव कुबेर, प्राणी को उसके बुरे कर्मों का फल शीघ्र मिले ये आवश्यक नहीं। ऐसा सदैव होता है कि मनुष्य द्वारा अर्जित पुण्य उसको उसके बुरे कर्मों के फल से बचाता है। अर्थात माते? अर्थात शुक्राचार्य ने अपनी साधना एवं यज्ञ से पुण्य अर्जित किया है, इसीलिए उन्हें उनके बुरे कर्मों का फल नहीं मिलेगा। किंतु जैसे ही उनका संचित पुण्य समाप्त होगा, उन्हें उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। यही विधि का विधान है। ओह,
ईश्वर, यदि आप चाहते तो भद्रासुर को श्राप देकर आप उसका अंत कर सकते थे, किंतु आपने ऐसा नहीं किया तथा अपने जीवन की चिंता न करते हुए अपने संकल्प की रक्षा की। मैं बहुत प्रसन्न हूँ ऋषिवर आपसे। प्रभु, जो कुछ भी मुझसे हुआ वो सब कुछ आपकी दया और कृपा से हुआ। यदि आपकी कृपा न होती तो मैं अछूत कहाँ कुछ कर पाता। इसे ही समर्पण भाव कहते हैं ऋषिवर, श्रेय स्वयं पर ना लेकर दूसरों को देना। अब मैं आपको लघिमा सिद्धि की कथा सुनाऊंगा। इस कथा में क्या है प्रभु? इस सिद्धि की कथा में ये बताया गया है कि संसार में ना ही कोई श्रेष्ठ है ना ही कोई लघु, सभी समान है तथा सबको एक समान अधिकार है। सभी समान है तथा सबको एक समान अधिकार है प्रेम पाने का, सम्मान पाने का। प्रभु, इस कथा का चरित्र कौन है? एक कन्या की कथा है, नाम है ममता। बिचारी अनाथ है, सौतेली माता तथा बहनों का घोर अत्याचार है उस पर। उस समय की बात है जब मैं एक वन मार्ग से जा रहा था कि तभी मुझे उसका एक स्वर सुनाई पड़ा। संभवतः ये संसार की प्रथम ऐसी घटना है जहां किसी के जीवन की रक्षा करने के उपरांत जीवन रक्षक को आभार तो दूर, धन्यवाद के दो शब्द भी सुनने को नहीं मिले। ऐसा रुक्ष व्यवहार उस कन्या का, ये कैसा अहंकार है उसका प्रभु? ये अहंकार नहीं था ऋषिवर, बल्कि वो रुक्ष व्यवहार उसका भय था। भय? कैसा भय प्रभु? आपने तो उसे कुएं से बाहर निकालकर उसकी मृत्यु के भय को दूर कर दिया था। ऋषिवर, भय कई प्रकार के होते हैं। एक बार यदि भय मनुष्य के हृदय में बस गया तो उसे किसी भी बात की शुद्ध नहीं रहती, वो सारे आचरण, वो सारे शिष्टाचार भूल जाता है। उसकी सारी इंद्रियां केवल भय की ही अनुभूति करती हैं। ऐसा भयजनक होता है भय का भाव। इतना घातक भाव प्रभु? हाँ ऋषिवर, उसी भय के कारण ममता ने अपने जीवन रक्षा की प्रसन्नता की अनुभूति नहीं की थी। प्रसन्नताओं का निकल जाना भय का प्रथम लक्षण होता है। उसके इस भाव को देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि उसके भीतर कोई अन्य भय है जो उसे मृत्यु से भी अधिक भयावह लग रहा है। ऐसा किस बात का भय हो सकता था प्रभु? यही तो मैं भी उसके मुख से जानने का प्रयास कर रहा था, किंतु वो इतना भयभीत थी कि वो मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही थी। उस समय केवल लकड़ियां एकत्रित करने में लगी हुई थी। क्या बात है बहन, आप इतनी भयभीत क्यों हैं? क्या कहा?
विश्राम कीजिए। खाई में गिरने के कारण आपको निश्चय ही चोट लगी होगी। जन वन में उसे अकेले रहने का भय नहीं था, उसे भय इस बात का था कि उसे भोजन बनाना है। उस कन्या के इस आचरण का अर्थ जानते हैं कि क्या था? क्या था प्रभु? उस कन्या के इस आचरण का अर्थ था कि वो उस निर्जन एवं भयानक वन में भी निर्भय थी।